के बाद में नेक्स्ट आपको लाइन के ऊपर प्रेशर कंट्रोल करना, तो वो चीज़ तो आ गई, बट हमको अब यहाँ पे क्या सीखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना सीखना है लाइन के बीच में। तो वो डिस्टेंस मेंटेन करने हमको इस तरीके से लाइन की प्रैक्टिस करने से आ जाता हमको। तो फर्स्ट हमको इस तरीके से एक्स बनाना है, एक्स बना के फिर एग्जैक्ट यहाँ पे अब आपको बस यही रखना है कि लाइन एक तो थिन रहना है और दूसरी चीज़ डिस्टेंस मेंटेन रहना, कहीं पे भी कम कहीं ज़्यादा इस तरीके से नहीं लेना है। बस ऐसे एक लाइन इधर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लाइन आप इधर से लेंगे तो वो एग्जैक्ट जब एंड होता है ना पूरा सही दिखाई देते हर एक लाइन। अगर आप मिक्स करके एक के बाद एक करें तो फिर वो लाइन मिक्स हो जाते इस तरीके। आपको ऐसे ही करना है पूरा कंप्लीट, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना, पॉइंट नहीं आना, एग्जैक्ट रहना। पे देखो अब हम जो एक्स ड्रॉ कर रहे थे वो एग्जैक्ट पूरे लाइंस वहीं पे एंड हो रहे हैं अगर आप देखे तो, ठीक है, वी शेप में। अब यहाँ कहीं पे भी दिख रहा आप एक्स ड्रॉ करे जैसा नहीं दिख रहा, वो सिर्फ आपकी गाइडलाइन थी एक्स जो आप लिए सिर्फ गाइडेंस के लिए लिए थे एक्स। फिर नेक्स्ट अब एक्स को क्या करें वी शेप में कन्वर्ट करके आप डिस्टेंस की प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सी ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, सी प्रैक्टिस करके इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल रखेंगे, मेंटेन करना है यहाँ पे सी इसी तरीके से। प्रेशर आपको जितना रखना है, जितना रखना है मीन्स थिक नहीं रखना है, हमको थिन ही रखना है प्रेशर को, पूरा एग्जैक्ट एंड वे तक भी ऐसा ही शेप रहना सी। इस तरीके से आपको पूरा सी पूरा फुल बॉक्स करना है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस की प्रैक्टिस हो जाती है। अब ये एक साइड होने के बाद में फिर अगेन दूसरे साइड अलग अलग डायरेक्शंस पे आपको ट्राई करना है ताकि आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करने आ जाना और डायरेक्शन को चेंज करके डिज़ाइन को किस तरीके से यूज़ करते वो चीज़ भी आ जाना। आप जितना कोन आपका बारीक रहेगा डिज़ाइन उतना ज़्यादा बारीक आएगा, अगर कोन ज़्यादा थिक भी है तो अगर हम प्रेशर को कंट्रोल रखें तो वो लाइंस थिन आ दे। अगर आप यही कोन से ज़्यादा प्रेस करें जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन को प्रेस कर रही हूँ इस तरीके इतनी भी होती, अब यही कोन से सेम मैं अगर लाइन को प्रेस करी इतनी भी आती, तो ये हमारे ऊपर है प्रेशर किस तरीके से कंट्रोल कर दे। कोन को पकड़ने का तरीका सबका अलग अलग रहता है, जिस तरह आप पेंसिल पकड़ते उसी तरीके से पकड़ना, बट एक चीज़ याद रखना कभी भी कोन जो है इस तरीके से नीचे नहीं गिरना, अक्सर होता ना कि इस तरीके से इससे कोन खराब हो जाता, आपका पूरा बेंड हो के कोन खराब हो जाता और आपको वही आदत हो जाती। तो ट्राई करो जितना हो सके थंब के ये एरिया पे कोन रहना ऊपर के एरिया पे, और हर बार इस तरीके से कॉटन या फिर टिश्यू से आपकी जो मेहंदी कोन की टिप रहती है उसको क्लीन करना, जो एग्जिस्ट मेहंदी रहती है वो निकल जाती है। अब यहाँ पे हम एक्स डाल के वी शेप की प्रैक्टिस करें, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे भी अगेन सी की ही प्रैक्टिस करें मगर डायरेक्शन चेंज करें। अब ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है, फिर अब हम अगेन क्या करेंगे ये साइड करेंगे। अब जब आप यहाँ पे कर रहे हैं तो डिजाइन जब आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं आपके हैंड की मूवमेंट जो है ये साइड से आती, राइट, जब आप इधर से क्रिएट करेंगे तो हैंड की मूवमेंट ये साइड से आती, तो आपको रिवर्स डायरेक्शन से भी प्रैक्टिस हो जाती जब आप ये डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे। तो हमको दो भी डायरेक्शन में काम करने आना, चाहे वो फ्रंट साइड रहो बैक साइड रहो रिवर्स स्ट्रेट सब साइड से हमको वर्क करने आना, तो वो चीज़ आपको हर एक डिज़ाइन की ये लाइन से ही आती। अगर आप ये लाइंस में परफेक्ट रहे तो खुद ब खुद सही होते। अब और एक चीज़ आपको क्या इंक्लूड करना है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल्ड और थिन लाइन की टेक्निक्स बताई आप लोग को, तो अब आप लोग यहाँ पे भी वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो डिस्टेंस मेंटेन करने आ रहा, थिन लाइन को किस तरीके से मेंटेन करते वो चीज़ आ गई। अब आप नेक्स्ट ये होने के बाद क्या करो, होमवर्क आपका यही लाइन को फिर से ड्रॉ करके सेम लाइन को यही लाइन पे नहीं करना, फिर अगेन ड्रॉ करके इसके अंदर थिक एंड थिन थिक और थिन का कॉम्बिनेशन करना जैसा यहाँ पे बताया ना वैसे ही सेम ये डायरेक्शन भी होने के बाद अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इधर ऐसा एस शेप क्रिएट करो, यहाँ से आप इस तरीके से एस शेप डाल दो, ठीक है। तो ये डायरेक्शन से आप इधर कंप्लीट करेंगे, इधर के डायरेक्शन से इधर कंप्लीट करेंगे बॉक्स, जब आप यहाँ पे वर्क करेंगे वो इस तरीके से आएगा,
पेंसिल, ठीक है। फिर एक साइड ये पूरा कंप्लीट होने के बाद अगेन आप यहां से इधर से दिए तो ज्यादा इजी रहता, फिर अगेन आप ये वर्क करेंगे इधर साइड। ये हो गया, फिर ये होने के बाद अब नेक्स्ट आपको इस तरीके वी शेप क्रिएट करो। ये वी शेप पूरा एंड तक रहना वी शेप में, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट आपको इस तरीके से ये हर एक चीज को आपको जितना प्रैक्टिस करना है आप इसी में करो। ये वी शेप को ये डायरेक्शन में करो, कभी बीच में कभी सेंटर में ऊपर से, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में करने से आपकी स्पीड भी बढ़ जाती और आपके डिजाइन में फिनिशिंग आती। जो प्रेशर कंट्रोल करना है ना, ये एक ही स्टेप से आप सीख सकते प्रेशर कंट्रोल। समझ में आया सबको? यस।